और N5 यानी कि बेसिक लेवल और N2 N1 यानी कि एडवांस लेवल से बिल्कुल बीचों बीच होता है, उनको ब्रिज करता है। आइए आज हम N3 लेवल की सारी चीज़ों को, जो कि होता है ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग और मोजिगो यानी कि वोकेबलरी, सभी चीज़ों को सेक्शन वाइज एक बारी JLPT आने से पहले स्टडी कर लेते हैं और अपनी स्टडी को JLPT के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि हम हर लेवल को सक्सेसफुली पार कर पाएँ। आपको हमेशा की तरह, जैसे आपने पहले वीडियोस में कराए, जब दोक्काई आए या चोकाई आए उसको पूरा अपने आप पहले पॉज करके सॉल्व करना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा और आपको मैच कराना है कि मुझसे कहां गलती हुई है और किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकता हूं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले मोजिगोई यानी कि वोकेबलरी से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने हर बार अपने हर वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है कि बड़ी बड़ी कांजी, बड़े बड़े कॉम्बिनेशन, इनको सेंटेंस के तौर पे सीखिए। तो यहाँ पर इसी तरह का एक सैम्पल मैंने दिया है, आपको सारी वोकेबलरी को इसी तरह से सीखना है। तो पहले इसको रीड करते हैं। देखिए, जो भी सेंटेंस होता है, चाहे वो दोक्काई है चाहे मोजिगोई आप कर रहे हैं, आप सेंटेंस को रीड करके ही कांजी को, वोकेबलरी को याद करने की कोशिश करिए। जैसे इसमें तेंजी आया हुआ है, ताबे मोनो मिहोन, ताबे मोनो तो हमें N5 में ही सीख लिया है, लेकिन होम मोनो मिहोन, इन सब चीज़ों को, नीते मास, इन सब चीज़ों को सेंटेंस के तौर पे सीखेगा तो आपको दोक्काई में भी हेल्प मिलेगी और उस वर्ड की सही अंडरस्टैंडिंग भी पता चलेगी। निहोन नो रेस्तोरान नो तेंजी देवा, जापान के रेस्टोरेंट्स की जो तेंजी होती है, तेंजी का मतलब होता है डिस्प्ले। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो यूजुअली बाहर एक अलमारी की तरह एक डिस्प्ले होता है जिसमें डिशेज को प्लास्टिक से बना के दिखाया जाता है, प्लास्टिक से या फाइबर से या मतलब मटेरियल से बना के उस डिश का एक सैंपल रखा होता है। आगे वे बात लिखी है, ताबे मोनोनो मिहोन गा ओइत्यारी मास, यानी कि डिश का सैंपल रखा हुआ है। मिहोन का मतलब होता है सैंपल। होम मोनो तो मत्ता को नीते मास, तो वो देखने में इतना ओरिजिनल लगता है, देखने में इतना असली लगता है जैसे कोई बाउल है, उसके अंदर नूडल्स उन्होंने इस तरह से कलर वगैरह सब कुछ, साइज वगैरह इतना अच्छा बनाया होता है कि आपको देख के लगेगा कि असली है, इसको खा सकते हैं। तो ये है इसका असली मीनिंग। नीते मास का मतलब होता है सिमिलर है, उससे मिलता जुलता है। चलिए अब हम दोक्काई की तरफ चलते हैं। देखिए, जो दोक्काई है ये एक ग्रामर फेल करने वाली दोक्काई मैंने आज यहाँ पर डाली है। वोकेबलरी तो हमें अब ऑलमोस्ट आ गई है अगर हमने N3 पढ़ा है तो, लेकिन अगर ग्रामर को दोक्काई के तौर पे अच्छी तरह से समझा जाए तो वो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि कुछ पैटर्न्स हैं इसमें, मैं पहले इनका मतलब बता देता हूँ। केशिते तातोए मोशिका सुरुतो, केशिते यानी कि नेवर, आगे जाके वो नाई के साथ आएगा। तातोए का मतलब होता है चाहे, तातोए बासे आप याद रख सकते हैं, तो तातोए तेमो वगैरह यूज़ होता है कि चाहे ऐसा हो ऐसा भी हो। मोशिका सुरुतो का मतलब होता है कि मोशिकाश्ते, आपने N4 में सीखा होगा, तो मोशिका सुरु भी वही होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर इन इफ, मोशिमो भी वही होता है लेकिन मोशिमो हाइपोथेटिकल चीज़ों के लिए होता है। तो इस तरह से वाके नी वाई कनाई, वाके गनाई, ये सब भी N3 के पैटर्न्स हैं। वाके गनाई का मतलब होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वाके नी वाई कनाई का मतलब है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, यानी कि कोई ड्यूटी है हमारी। तो इन पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम दोक्काई सॉल्व कर सकते हैं और दोक्काई सॉल्व करने से ही पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से मिक्स्ड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें, पहले इस दोक्काई को अपने आप रीड करें, अपने आप फिल करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर इस वीडियो को वहीं से रिज्यूम करें और एक्सप्लेनेशन सुने तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चलिए तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया है और दोक्काई सॉल्व कर लिया और आंसर्स निकाल लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। शिंगो ओ ममोत्ते इता नोनी, यानी कि मैंने अपने ट्रैफिक सिग्नल को, मैंने, ममोत्ते का मतलब है फॉलो करना, तो ट्रैफिक सिग्नल को मैंने फॉलो करा यानी रेड लाइट पे रुका, प्रॉपरली ग्रीन लाइट पे गया। नोनी, नोनी का मतलब होता है के बावजूद। कुरुमानी हिकारेता को तो गारू, हिकारेता का मतलब होता है उड़ा दिया जाना। जैसे पेडेस्ट्रियंस के लिए भी जो रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है जापान में, तो उसको उसने पूरी तरह से फॉलो किया लेकिन फिर भी उसकी कार से टक्कर हो गई, यानी कि गलती वो बताना चाहता है कार की थी। सोरे इराई, इराई भी एक तरह का पैटर्न है, इसका मतलब होता है तब से, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से थ्रू आउट आगे तक। सोरे इराई वाताशिवा डैश कुरुमा मो शिंगो मो शिंयो शिनाई। तो जब भी मैं दोक्काई सॉल्व करवाता हूँ तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि पहले आप इस सेंटेंस का पूरा अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लीजिए बिना कोई ऑप्शन देखे, क्योंकि ऑप्शन देख लेते तो हम थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। अगर आप ऐसा बिना करें अपने आप सोचे कि 21 में क्या आएगा, 22 में क्या आना चाहिए, थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आपको पता चल जाएगा।
तो सोरे इराई यानी कि तब से, वाताशिवा डैश कुरुमामो शिंगोमो शिनियोशिनाई यानी तब से मैं कार पे भी और सिग्नल पर भी शिनियो यानी कि भरोसा नहीं करता हूँ। और शिनाई की बात भी कुछ है, तो पहले तो हमें पता चल गया कि 21 के अंदर केशित आएगा क्योंकि नेवर एक तो मीनिंग वाइज भी फिट हो रहा है और बाकी सारे जो पैटर्न्स हैं वो फिट नहीं हो रहे। जैसे तातोय है वो तेमो के साथ आता है और चाहे वाला मीनिंग भी फिट नहीं हो रहा। मोशिका सुरु तो इफ़ के लिए आता है और मोशिमो हाइपोथेटिकल के लिए आता है, तो इसका मीनिंग बन रहा है केशिते कुरुमामो शिंगोमो शिनियोशिनाई, मैं कभी भी यानी कि नेवर आई ट्रस्ट ऑन कार्स और इवन ऑन सिग्नल। अब 22 में, अब ध्यान से देखिए सेंटेंस एंड हो गया है लेकिन उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, यानी कि उसके बारे में बता रहे कि मैंने अब से ऐसा अपना लिया है, ऐसा अपना सिस्टम बना लिया है, ऐसी अपनी आदत बना ली है, तो हमें पता चल गया कोतोनी श्तेरु आएगा। तो कोतोनी नत्तेरु और कोतोनी श्तेरु में ये फ़र्क होता है कि कोतोनी नत्तेरु मतलब ये ऐसा सिस्टम सरकार ने बनाया या फिर सोसाइटी ने बनाया या फिर किसी जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने बनाया, तो कोतोनी नत्तेरु आएगा। इन कोतोनी श्तेरु अपने लिए आता है, ऐसा सिस्टम मैंने बनाया या फिर ऐसी आदत मैंने अपनी बनाई है, तो यहाँ पर आएगा कोतोनी श्तेरु क्योंकि ऐसा मैंने अब से करना शुरू कर दिया है। अब वाके गानाई वाके निवाई कानाई क्यों नहीं आया, जैसे मैंने बताया था वाके गानाई इम्पॉसिबल है तो उल्टा हो जाएगा। वाके निवाई कानाई ये कर्तव्य के लिए आता है कि मैं जैसे मैं छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिस में मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिंगो का आओ नी डैश उची नी, अब देखिए 23 में अपने आप हमें पता चल गया कि कवारू ही आएगा क्योंकि चेंज की बात होगी भाई, सिग्नल ग्रीन में बदल रहा है। आओ का मतलब होता है ब्लू, लेकिन सिग्नल के लिए भी यूज होता है क्योंकि ब्लू ग्रीन उसका कलर होता है, तो कवारू तो पता चल गया। लेकिन कवारू आएगा, कवाता आएगा, कवारना ही आएगा, कवारना काता आएगा, ये हमें आगे थोड़ा सा पढ़ के पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उची से इसका, उची भी एक पैटर्न होता है, इससे इसका हमें असली मीनिंग पता चलेगा। शिंगो का आओ नी डैश उची नी मो इकेरू, तो अब हमें पता चला कि वो और भी आगे पढ़ लेते हैं, उगोकी दासु कुरुमा यानी कि उन कार्स को वो एक तरह से डांट रहा है कि आप लोग ग्रीन सिग्नल अभी हुआ ही नहीं है, उससे भी पहले आप मो इकेरू आप चलना शुरू कर गए हो। उगोकी दासु मतलब चलना शुरू कर दिया है, तो अभी यानी कि सिग्नल ग्रीन में नहीं बदला है, तो कावारा नाई उची नी इसका सही आंसर है क्योंकि सिग्नल अभी बदला नहीं है और आप जाना शुरू कर गए हो। सिग्नल अगर बदल जाए जैसे कावारू उची नी, तो पहली बात वैसे भी फिट नहीं होगा क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि उसी दौरान, तो कावारा नाई उची नी आएगा क्योंकि जब तक वो नहीं बदला है तब तक उस दौरान, उची नी का मतलब होता है उस दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मो की रो कारा आकानी नातेरुनी, तो उसने पहले तो एग्जांपल दिया कि अभी ग्रीन नहीं हुआ है आपने चलना शुरू कर दिया, और अब वो दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि अब वो येलो से रेड हो गया है। नोनी, नोनी से पता चला हमें कि उसके भी बावजूद मादा ई केरू, तो कार्स को फिर से वो डांट रहा है कि आप अभी भी चलते जा रहे हो, येलो से रेड हो गया है फिर भी आप अभी भी जा सकता हूँ ऐसा सोचते हो। तो मुरी और शुरू, मुरी का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, यानी कि जबरदस्ती आप अपनी कार निकालने की कोशिश कर रहे हो। 24 में क्या आएगा ये हमें आगे के सेंटेंस से पता चलेगा, देखते हैं। इप्पुन तो का सांजुबियो गा दोषते माते नाइन हो दारो, तो आप एक मिनट और या फिर 30 सेकेंड दोषते वाए माते नाई वेट नहीं कर पा रहे हो दारो, ऐसा क्या हो गया कि आप सिर्फ एक मिनट या 30 सेकेंड तक वेट नहीं कर सकते, ऐसी भी क्या जल्दी है, ये वो कहना चाहता है। आगे भी सेंटेंस में उसने लिखा हुआ सुनना नहीं सोगा शी ही तो ताची नानो दारो का, क्या आप लोग सच में इतने ही बिजी हैं कि आप 30 सेकेंड या एक मिनट भी वेट नहीं कर सकते। तो 24 बहुत आसान है, हमें पता चल गया अतो, इसका आंसर है अतो। क्यों? क्योंकि और एक मिनट, जैसे हम हिंदी में भी बोलेंगे कि और एक मिनट वेट नहीं कर सकते, क्या सिर्फ और 30 सेकेंड वेट नहीं कर सकते। और बाकी भी देख लेते गलत क्यों है, सोनो उए मोर ओवर, ये तब आता है जब आप जैसे किसी की तारीफ कर रहे हो तो और ज़्यादा तारीफ करी है और एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हो, या फिर बुराई करे तो एक एक्स्ट्रा बुराई बता रहे हो। सोरे तो आता है या के लिए, या, और स्कोशिमो आता है थोड़ा सा भी, तो ये तीनों ही ऑप्शन मीनिंग वाइज में फिट नहीं आ रहे हैं, अतो जो है वो आराम से फिट आ रहा है। तो ये था दोकाई को सॉल्व करने। देखिए मैं फिर से कहूँगा कि ये प्रैक्टिस मांगता है, आप किसी भी चीज़ को ऐसा मत समझिए कि आज ही मेरा सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आज ही मैं सब कुछ सीख क्यों नहीं रहा, ये चीज़ें धीरे धीरे करके, जैसे ऐसे आप लगभग 10 दोकाई या 15 दोकाई सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया ग्रामर के पैटर्न्स को दोकाई में फिल करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चोकाई करेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि आपको पहले पॉज करना है, सॉरी पहले आपको वो चोकाई सुननी है, वहीं पर वीडियो को पॉज करना है और अपने आप एक आंसर निकालने की कोशिश करनी है, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा, तो आपको
वो उसको चेक करना है. चलिए शुरू करते हैं. お客様, こちらで召し上がりますか? お持ち帰りになりますか? 1. はい、大丈夫です。 2. ここで食べます。 3. いいえ、持ちますよ。 お客様, こちらで召し上がりますか? お持ち帰りになりますか? ये हमने पहले भी सीखा हुआ है. मोचिकारी का मतलब होता है टेक अवे. तो शी इज आस्किंग के ओक्याक्सामा कोचिरा दे मेशियागारी मास्का. मेशियागारू जो होता है वो तबे मास का पोलाइट फॉर्म होता है, कस्टमर्स के साथ यूज़ किया जाता है. तो शी इज आस्किंग के आप यहीं पर खाएंगे या मोचिकारी टेक अवे करेंगे. हाई दाइजोबु देस, ये कोई आंसर नहीं है. ना उसने बताया कि मैं यहाँ खाऊंगा या लेके जाऊंगा. तो दाइजोबु होता है इट्स ओके. ここで食べます。यही इसका सही आंसर है. क्लियरली वो बोल रहा है यहीं पर मैं खाऊंगा. सम ये मोचिमास्यो. ये मोचिमास्यो ये ये की वजह से गलत है एक तो, और मोची कायरी होना चाहिए था यहाँ पे. तो ये मतलब तब जब पूछा जाए सिर्फ एक ही चीज़ कि आप इसको होल्ड करेंगे, तो वो कहेगा नहीं मैं होल्ड नहीं करूँ, तो ये गलत हो गया. और मोची कायरी इसकी वजह से भी ये गलत हो गया. तो हमारा आंसर है टू. सो फ्रेंड्स, इसी तरह से टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करिए. आपको जापानीज़ लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि JLPT को सक्सेसफुली एक ही बार में पार करने से कोई नहीं रोक सकता. ऑल द बेस्ट.